जाहिर है, में नजर डालते हैं देश दुनिया और राज्य की प्रमुख खबरों पर। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अमेरिकी सांसदों का एक द्विदलीय समूह 15 अगस्त को लाल किला पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को सुनने के लिए भारत आ रहा है। द्विदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भारतीय अमेरिकी सांसद रॉ खन्ना और सांसद माइकल वॉल्ट्स कर रहे हैं। भारत के स्वतंत्रता दिवस को जल्द ही अमेरिका में भी राष्ट्रीय दिवस के जश्न के तौर पर मनाया जा सकता है। सांसद श्री थानेदार के नेतृत्व में भारतीय अमेरिकी सांसदों के एक दल ने अमेरिकी संसद के निचले सदन में प्रस्ताव रखा है, जिसके तहत भारत के स्वतंत्रता दिवस को दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र के राष्ट्रीय दिवस के जश्न के तौर पर घोषित करने का आग्रह किया गया है। ईरान में हिजाब ना पहनने वाली महिलाओं को सजा दी जा रही है। उनसे मुर्दा घर के शवों की साफ सफाई करवाई जा रही है, साथ ही मनोचिकित्सक के पास इलाज के लिए भेजा जा रहा है। और अब बात करते हैं राष्ट्रीय खबरों की। वाराणसी स्थित ज्ञानवापी परिसर में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने की मांग वाली जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने ये याचिका राखी सिंह व अन्य की तरफ से दाखिल की गई थी। इस पर मुख्य न्यायमूर्ति प्रीतिकरण दिवाकर और न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने सुनवाई की। कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि पत्नी द्वारा पति को काला कहकर उसका अपमान करना क्रूरता है, इसके आधार पर तलाक को मंजूरी दी जा सकती है। हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी करते हुए एक दंपति के तलाक को मंजूरी दे दी। केरल में पी विजयन के नेतृत्व वाली वामपंथी सरकार आज विधानसभा में समान नागरिक संहिता के खिलाफ प्रस्ताव पेश करेगी। इस प्रस्ताव में केंद्र सरकार से मांग की गई है कि वह देश में समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के प्रस्ताव को छोड़ दें। और अब बात करते हैं प्रदेश की प्रमुख खबरों की। हिमाचल प्रदेश के नगर परिषद हमीरपुर के वार्ड नंबर 5 की रहने वाली तनीषा शर्मा को उनके पिता ने सोमवार को जन्मदिवस के गिफ्ट के रूप में चांद का टुकड़ा दिया। पेशे से अधिवक्ता अमित शर्मा ने बताया, उनकी बड़ी बेटी तनीषा शर्मा वर्तमान में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद नीट की तैयारी कर रही है। उसका जन्मदिन है तो बेटी को चांद पर 8 कनाल जमीन खरीद कर दी है। 10वीं के फर्जी सर्टिफिकेट पर नौकरी हासिल करने वाले 9 और डाक सेवकों को बर्खास्त किया गया है। सभी शिमला डाक मंडल में नौकरी कर रहे थे। आरोपी हरियाणा के जींद के रहने वाले हैं। इसके अलावा समाचार पत्र पर भी जरूर नजर डालें। और कार्यक्रम के अंत में बात करते हैं रोचक विषय की। इटली की राजधानी रोम में होने वाली शादी में कई तरह की परंपराओं का पालन किया जाता है। इनमें लड़का लड़की के परिवार के लोग हिस्सा लेते हैं। शादी में कई तरह के अजीबोगरीब खेल खेले जाते हैं, जिन्हें खेलने में लोगों को बेहद आनंद मिलता है। रोम में शादी की रात दुल्हन का अपहरण करने का रिवाज है। दूल्हे के दोस्त ही दुल्हन को अगवा करते हैं और दुल्हन भी खुशी खुशी उनके साथ चली जाती है। इसके बाद जब दोस्तों को फिरौती नहीं दी जाती है, तब तक वे दुल्हन को दूल्हे के पास नहीं जाने देते हैं। रोम की शादियों में पालन किए जाने वाले इस रिवाज का नाम ब्राइड नैपिंग है। इसमें दूल्हे के सामने ही दुल्हन को उठा लिया जाता है। अपहरण को असली दिखाने के लिए दूल्हे के दोस्त अपने पास हथियार भी रखते हैं। शादी में आए मेहमानों और दूल्हे के सामने से दुल्हन का अपहरण कर लिया जाता है। इसके बाद फिर दुल्हन को छोड़ने के बदले फिरौती मांगी जाती है। फिरौती मिलने के बाद ही दुल्हन को छोड़ा जाता है। जाहिर है, कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।